जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे और ये जान पाओगे कि कौन लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको इसके बाद सभी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो यहां पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो आपकी 11 जुलाई 2020 है, यानी कि 11 जुलाई 2020 से आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो और आप लोग 31 जुलाई 2020 तक आवेदन कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपसे यहां पर ये जानना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊँ जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊँ, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और ये पूछने का मतलब यह है कि जब मैं डायरेक्टली फॉर्म फिलअप की वीडियो बना देता हूं किसी भर्ती की, तो फिर आप लोग देखते हो कि यार इसमें तो ये वाली क्वालिफिकेशन मांगी है, हम तो इस पर एलिजिबल नहीं है, तो हमारे लिए इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप पहले वीडियो देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। एप्लीकेशन फीस यहां पर आपकी जनरल के लिए 1500 रुपए है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा रखी गई है। ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 750 रुपए है, एससी एसटी पीएच के लिए भी 750 है और जो ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट हैं इनके लिए भी 750 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और ये फीस आपको ऑनलाइन माध्यम, जो कि यहां पर इनमें से कोई एक माध्यम का इस्तेमाल आप कर सकते हो या फिर ई चालान के माध्यम से कर सकते हो। फिर यहां पर दोस्तों आपकी आती है एज लिमिट, जो कि काउंट की जाएगी 31 जुलाई 2020 तक, और जिसमें कि आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो बेसिकली 18 साल ही होने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है और इसके अलावा भी सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है, जो कि आपको आगे चल करके क्लियर हो जाएगी। इसके साथ आपकी जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट मिलती है एज लिमिट के अंदर, वो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की दी जाएगी और ओबीसी को 3 साल की दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की, तो टोटल वैकेंसी यहां पर आपकी 90 है, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट के लिए 57 पद है और आवेदन करने के लिए आपसे क्वालिफिकेशन के रूप में 10+2 इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास की योग्यता, इसके साथ कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज विंडोज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एलियन, तो यहां पर आपसे ये क्वालिफिकेशन मांगी है। सीनियर असिस्टेंट के लिए 18 पद है और उस पर आवेदन करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री की योग्यता मांगी है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहां पर बैचलर डिग्री इन मैथ स्टैटिक्स कॉमर्स यानी कि इनमें से किसी डिसिप्लिन के साथ, और स्टेनोग्राफर के लिए आपके 8 पद है और योग्यता आपसे 12वीं, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने आपको यहां पर ये एलिजिबिलिटी बताई है ये संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण आपको आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानने को मिलेगी। बट उसके पहले आप यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। अब चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर आप इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी कंफर्म कर सकते हो, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर आपकी दी जा रही है। इसके साथ आप यहां पर देखोगे कि आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे डिग्री की योग्यता मांगी है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे यहां पर सेम तरीके से बताया कि 10+2 की योग्यता, इसके साथ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। फिर यहां पर दोस्तों आपका आती है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, इसके लिए 7 पद है, इसमें आपसे बैचलर डिग्री इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के साथ, साथ ही यहां पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर आपसे एक 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि आपका इनमें से किसी डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से मतलब है कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप फ्रेशर हो तो तब भी आप आवेदन कर पाओगे, बट जिनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उनको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने सिर्फ बिना एक्सपीरियंस के आवेदन किया है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर आपका सेम तरीके से है, क्वालिफिकेशन सेम है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बट डिजायरेबल में आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज स्टेनो इन गवर्नमेंट या फिर पीएससी ऑटोनोमस बॉडी एंड एबिलिटी ऑफ वर्क प्रोसेसिंग ऑन कंप्यूटर। तो ये भी ऐसा ही है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, नहीं है तो तब भी आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल है यानी कि किस लेवल की आपको सैलरी दी जाएगी इन पोस्ट पर, वो आपको देखने को मिल पा रहे हैं। एज लिमिट आपकी यहाँ पर मिनिमम 18 साल ही है, जो कि यहाँ पर आपको बताई जा रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो यहीं पर दिया जा रहा है आपका। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि सीबीटी होगा,
और ये आपका होने वाला है 31/8/2020 को। और जो इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिर स्किल टेस्ट होगा, जिस पोस्ट पर स्किल टेस्ट एप्लीकेबल किया गया है, और वो आपका 20/9/2020 को होगा। अब अगर आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में भी एक डिटेल्ड में वीडियो चाहते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा, बट ये भी आपको बताना होगा किस तरह हमें वीडियो चाहिए। पहले से पोस्टिंग यहाँ पर रहेगी आपकी न्यू दिल्ली, बट लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर, यानी कि जो एक ज़्यादा चांसेस आपकी पोस्टिंग के है वो न्यू दिल्ली है, बट इसके अलावा भी आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया के अंदर हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आपकी NBE यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।